धामी सरकार द्वारा राज्य में बाहर के निवेशकों के लिए इन्वेस्टर समिट का जल्द आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अनेक राज्यों के अलावा विदेशों के निवेशक भी प्रतिभाग करेंगे। धामी सरकार द्वारा इसके लिए बीते कई माह से प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा है, जिसकी बागडोर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली है। इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन देहरादून स्थित भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI में आयोजित किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भट्ट का कहना है कि राज्य में निर्धारित 250 करोड़ के निवेश के लक्ष्य में से अभी तक 124 करोड़ के MOU पर निवेशक साइन कर चुके हैं। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड की जवानी को राज्य में रोजगार देने की सराहनीय पहल है। रोजगार के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और पुष्कर धामी जी का आभारी हूँ। पहली बार उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड काम आए, इस भाव के साथ इन्वेस्टर समिट हो रहा है। 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टरों की बात हुई थी, आज 1,24,000 करोड़ के इन्वेस्टर इस राज्य के अंदर आने वाले हैं, उनका MOU साइन हो चुका है। इसका पीछे का भाव है, यहाँ का यूथ अब दर दर नहीं भटकेगा, उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड में उसको रोजगार प्राप्त हो, इस दिशा में सार्थक पहल अब प्रारंभ हुई है और इसका स्वागत करना चाहिए। वहीं इन्वेस्टर समिट के सफल संचालन के लिए देहरादून प्रशासन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह का कहना है कि PWD, UPCR, नगर निगम समेत सभी विभागों को सभी आवश्यक कार्य की समयावधि पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। जी, हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, PWD, UPCL, MDDA, नगर निगम, सभी विभागों को टाइमलाइन दे दी गई है और उनके द्वारा कार्य भी प्रारंभ कर दिए गए हैं और विदिन टाइमलाइन हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। हमारा इवेंट जो है वो FRI में होगा और वहाँ भी हमने जो हमें आगे कार्य करने हैं उस पर वो प्रारंभ कर दिए हैं। गौरतलब है कि इन्वेस्टर समिट के दौरान सुरक्षा, सफाई, बिजली, पानी आदि की सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं। राज्य में इससे पहले त्रिवेंद्र सरकार में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, लेकिन इस इन्वेस्टर समिट का ज्यादा लाभ राज्य के लोगों को नहीं मिल पाया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि धामी सरकार द्वारा आयोजित इन्वेस्टर समिट 2023 युवाओं को राज्य में रोजगार देने में सफल होता है या नहीं।